continue from Allahabad or Prayagraj? So what does your name mean? आप हिंदी में एंट्री भी देंगे इंग्लिश में? सही हिंदी में. आपके नाम का अर्थ सोना. सोना पर्यायवाची और क्या है उसके? सोना के स्वर्ण कनक के कंचन. तो सोशल वर्क की परिभाषा थोड़ा बताएंगे सर? सोशल वर्क की समाज कार्य की परिभाषा ये है कि समाज का विज्ञान एवं कला पर आधारित एक व्यावसायिक ज्ञान जिसमें निपुणताओं प्रतिभाओं का सहारा लेते हुए किसी व्यक्ति समूह अथवा समुदाय को आत्मनिर्भर बनाया जाता है. उसे इस लायक बनाया जाता है कि वो अपनी सामर्थ्य खुद से कर सके, तो निर्भर बन सके और अपनी समस्या का समाधान कर सके. तो क्या ये व्यवसाय भारत में काफ़ी अच्छे से डेवलप है? भारत में विकास समाज कार्य का विकास उस तरह से व्यावसायिक रूप से नहीं हुआ जिस तरह से इंग्लैंड और अमेरिका में हुआ. भारत में समाज कार्य के व्यवसाय के रूप में विकसित होने में कुछ समस्याएँ हो सकती हैं. तो क्या करना चाहिए सर? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो समाज कार्य के लिए जो साहित्य होना चाहिए, जो किताबें होनी चाहिए वो आनी चाहिए. और दूसरी बात कि जो विश्वविद्यालय हैं उसमें इसको जो है एज अ सब्जेक्ट रखना चाहिए कि वहाँ पढ़ाया जाए और इस तरह से चीज़ें. तीसरी चीज़ जो संस्थाएं जो इंस्टीट्यूशन के लेवल पर काम करना चाहिए कि भारत में इसके इंस्टीट्यूशन विभिन्न राज्यों में या केंद्र स्तर पर. और चौथी चीज़ प्रोफेशनलिज्म जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है. तो भारत में कई बार इसको दान के रूप में, कई बार समाज कल्याण के रूप में, कई बार ऐसे इस रूप में देखा जाता है जो कि इसके बारे में भ्रांति है. व्यावसायिक रूप लेना इसका बहुत जरूरी है. सर मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें की जानी चाहिए. और चौथी चीज़ अवेयरनेस भी होनी चाहिए ताकि लोगों को अगर समस्या है तो वे जाएं समाज कार्यकर्ता के पास अपनी समस्या को लेकर. तो आपके अकॉर्डिंग समाज कल्याण और समाज कार्य अलग है? तो समाज कार्य प्रोफेशन है जी. समाज कल्याण? समाज कल्याण लोग अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं या उनको समाज के लिए काम करने की बहुत अलग. सोशल वर्क खुशी से करते हैं? करते हैं सर, लेकिन उसमें आर्थिक मूल्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है. आर्थिक मूल्य जी. इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ सोशल वर्क का? सर ओरिजिनेशन सर इंग्लैंड से ऐसा माना जाता है कि जब 20वीं शताब्दी का जो चौथा दशक था जब पेपरिस रिपोर्ट आई थी इंग्लैंड में, उसके बाद से जो इंग्लैंड के विश्वविद्यालय थे वहाँ पर इसको एज अ सब्जेक्ट रखा जाने लगा था पहली बार विश्वविद्यालय. अच्छा आप एक बात बताइए, जैसे हमारी सोसाइटी है जी एक सोशलिस्ट सोशलिज्म की तरफ समाजवाद की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है. वेस्टर्न सोसाइटी में इंडिविजुअल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट, ठीक है. तो हम लोग जिस स्टैंडर्ड से हम लोग इवॉल्व हुए हैं स्टार्टिंग से प्रिमिटिव सोसाइटी जो थी, ठीक है, वहाँ से जब हम इवॉल्व हुए हैं टाइम के साथ, तो हमारे यहाँ एक सोशल कंसेप्ट काफ़ी इन्फ्लुएंसिव रहा है जिसकी वजह से समाज कल्याण दान धर्म ये सब जुड़े हुए हैं, ठीक है. तो आपको क्या लगता है कि सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन हमें अलग से इंट्रोड्यूस करना जरूरी है इंडिया में या नहीं? जी सर. सर मैं बताती हूँ जो सर विकास का चरण में पढ़ते हैं भारत के संदर्भ में खास करके, तो सर जो आपने बात की वो उसमें आ जाती है कि तीन चरण में हम बात के पढ़ते हैं और खास करके प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल. प्राचीन काल में जो दान धर्म या विभिन्न तरह की संस्थाएँ या राजा किसी को कुछ कर रहे हैं, किसी के लिए निर्बल के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसको इस सेंस में रखा जाता था. मध्यकाल में एक मानवतावादी जो मूल्य हमारे सोसाइटी में है उस संदर्भ में इन सब कार्यों को किया जाता था. लेकिन आधुनिक संदर्भ में इससे बिल्कुल अलग. सर जो मैंने प्रोफेशनल बताया कि एक व्यावसायिक इसमें जो शब्द जुड़ा इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरी चीज़ इसके बदले में आर्थिक मूल्य भी चाहिए. तो सर जो दान परोपकार वाला पूरा जो कॉन्सेप्ट था उससे उसको इसका बेस मान सकते हैं, स्रोत मान सकते हैं, लेकिन वो इससे अलग है सर. विकास का उसको प्रारंभिक चरण मान सकते हैं लेकिन विकास के परिपक्व अवस्थाओं से नहीं कहा जा सकता. आधुनिक काल में जो समाज कार्य का स्वरूप है उसे परिपक्व माना जाता है. I'm not getting this one thing. जी हम लोग ऑलरेडी वही काम कर रहे थे. हमारे यहाँ सोसाइटी का कंसेप्ट बहुत अच्छा था जहाँ हम एक दूसरे की हेल्प करते थे, एक दूसरे कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं मिलकर, ठीक है. कभी उसमें आर्थिक नोशन हमने इंक्लूड नहीं किया कि हम क्यों मूल्य हैं इस चीज़ का. वेस्टर्न सोसाइटी में इंडिविजुअल की वैल्यू होती थी, तो वहाँ ये था कि एक इंडिविजुअल को वैल्यू करते हैं तो हर एक के काम की वैल्यू होने लगी, काम का मोल देना है हमें, ठीक है. जैसे हम दो लोग हैं, आपको अगर मेरी हेल्प करनी है तो आप समाज कार्य करेंगे, आपको पैसे चाहिए उसके आर्थिक व्यवसाय, ठीक है, एक सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ. तो ये ज़रूरी क्यों है
कि हमें ऐसा मूल्य क्यों देना है जब हमारे सोसाइटी में वो चीज़ है ही नहीं, वो बताइए आप। सर तो फिर तो वो समाज कल्याण हो जाएगा ना, कि समाज कल्याण में भी हम लोगों की मदद करते हैं, ठीक है, तो वो समाज कल्याण हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि फिर जो निपुणता की इसमें आवश्यकता होती है सर, उस पर हम उतना कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए, उस पर उतना ध्यान ना दे पाए कि हमें इसके लिए और बेहतर रिसर्च करने की ज़रूरत है, और अच्छी किताबें लिखने की ज़रूरत है, और अच्छे इंस्टीट्यूशन बनने की ज़रूरत है, या हमें इस पर और मेहनत करने की ज़रूरत है, संसाधन जुटाने की ज़रूरत है, शायद हम उसको उतना ध्यान ना दे पाए। जी सर मुझे ऐसा लगता है। कहाँ से बुक करना है? अलाहाबाद से। प्रयागराज। हमें ठीक है। अलाहाबाद से मैंने कैंसेशन किया। इसमें तो सिटी अलाहाबाद ही लिखा हुआ है। अच्छा अमेठी की सिग्निफिकेंस बताइए, किस चीज़ के लिए फेमस है अमेठी पॉलिटिक्स के अलावा? सर मेनली तो पॉलिटिक्स के लिए ही फेमस है, दूसरा वहाँ का जो फोक सॉन्ग्स वगैरह है, फोक कल्चर जो वहाँ का है सर, उसके लिए फेमस है। और अमेठी ऐसे तो सर किस तरह का फोक कल्चर मीन्स आप बताइए, जैसे सुंदर वगैरह, कचरी वगैरह, ठुमरी वगैरह, रसाई वगैरह, या फिर और भी नकटा हो गया सर, जो शादी में भी गाँव में गीत गाए जाते हैं, सब चीज़ें वहाँ की सब काफ़ी। अच्छा एक बात बताइए, जैसे यूपी एक कल्चरली काफ़ी सिग्निफिकेंट है यूपी, राइट, तो उसमें कितने कल्चरल डिविजन्स हैं बताइए? सर एक तो सर पूरा अवध का जो बीच का इलाका आ जाता है उसमें पूरा अवधि कल्चर है, जहाँ की भाषा पढ़ाते हैं, दूसरा अगर इधर पूर्व की ओर तो सर भोजपुरी का इन्फ्लुएंस आ जाता है, भोजपुरी आता है, वो भोजपुरी कल्चर आ जाता है। सर अगर इधर एमपी की ओर जाएंगे तो बुंदेलखंड वाला जो पूरा इलाका है सर, बुंदेलखंडी कल्चर वहाँ पर आ जाएगा। सर अगर हम थोड़ा सा आपको क्या लगता है कि हमें इसे डिवाइड कर देना चाहिए? रैशनली कह रहे हैं क्योंकि भारत की विशेषता ही रही है विविधता में एकता, इसकी बहुत ही बड़ी विशेषता है और विश्व में भी भारत की पहचान इस रूप में सर। बट अब चैलेंजेस देखिए ना कि वेस्ट और ईस्ट यूपी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, डिवाइड है। वो बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव, आप तो एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आपको क्या लगता है, डिवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि जितने डिवीज़न हुए भी मेरा उससे विकास का बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ पर कि बहुत ज़्यादा विकास हो गया ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि विभाजन ही विकास का एक आधार नहीं होता है, विकास और भी तरीके से किए जा सकते हैं, खास करके उस क्षेत्र में ध्यान दे करके, वहाँ की जो रीजनल चीज़ें हैं उनको बढ़ावा दे करके, खास करके वहाँ की जो लोकल संस्कृति है या जो लोकल चीज़ें उनको बढ़ावा देना चाहिए, उससे विकास ज़्यादा होगा। अगर वहाँ कोई मिनरल्स है तो उसके लिए इंडस्ट्रीज उसी हिसाब से की जानी चाहिए, अगर कोई फोक चीज़ें हैं तो उसको मेले में या उस शिल्प के क्षेत्र में सरकार को प्रमोट करके, जैसे अभी सर 1 जुलाई को प्राग वाला जो इससे जी सर इस तरह की चीज़ें की जानी चाहिए, तो विकास इससे होगा, विभिजन विभाजन एक आधार नहीं होता विकास। हिंदी लिटरेचर है आपका ऑप्शन, JNU में पढ़ाई भी करी है, JNU तो काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। अच्छा कर रही हो, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है JNU तो। तो छायावाद क्या होता है? सर छायावाद हिंदी काव्य आंदोलन जो है, काफ़ी हिंदी काव्य साहित्य में बेसिकली कहा जाए तो उसमें एक दौर रहा है जो कि 1918 से लेकर के 1936 तक का समय है, और छायावाद के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ थी कि इसको जो रोमांटिसिज्म था वेस्टर्न का उसका छायावाद माना गया कि उसी की लोग कॉपी कर रहे हैं तो इसको छायावाद ना, तो इस एक तरह से नेगेटिव सेंस में इसको नाम दिया गया। लेकिन छायावाद की अगर प्रवृत्तियों की बात करें भारत के संदर्भ में तो सर उसकी बहुत सारी विशेषताएँ रही हैं। पहली तो ये रही है कि जो व्यक्तिवाद वाली विशेषता थी सर छायावाद में दिखाई पड़ती, उसके पहले पूरा जो साहित्य लिखा गया उसमें कहीं ना कहीं समाज को बीच में केंद्र में रख करके लिखा जाता था, लेकिन इसमें जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति खास करके जिसको हम अनुभूति बोलते हैं कि हमने कोई चीज़ महसूस किया और हम साहित्य लिखेंगे तो अपने उस अनुभूति को अभिव्यक्त करेंगे, मैंने मैं सहेली अपनाई, रोमांटिसिज्म वही था जी कि आपने एक्सप्रेस किया था। इसके कुछ प्रसिद्ध लोगों के नाम बताएंगे? स्वतंत्र पार्टी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन, जयशंकर प्रसाद, सर ये 4 स्तंभ कहे जाते हैं छायावाद के। और 5वां स्तंभ भी अगर मैं सुनना चाहूँ? जी और भी लोग हैं जैसे कि शांति प्रिय द्विवेदी जी भी अभी दिख रहे थे सर, लेकिन वो उतने पॉपुलर नहीं है। अच्छा अलाहाबाद के ही एक थे जी, निराला जी अलाहाबाद, और सुमित्रा नंदन जी, और और जिनका बेटा गंगा किनारे वाला है
अमिताभ बच्चन के बारे में सर, वो हिंदी के तो प्रोफेसर नहीं थे, वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, बट वो पोएट्री लिखते थे हिंदी में। छायावाद के तो थे वो सर, हनावाद नहीं, बट आपकी पोजीशन से हैं एसडीएम डीएसपी जो आपके रोल्स हैं, ये तो काफी मल्टीटास्किंग होते हैं सर, दिस इज नॉट सिंपल कि आप सिर्फ एक चीज पर फोकस करें। सर मैं इस पे काम कर रही हूं कि मैं कई सारी चीजों को मैनेज करूं। बताइए क्या काम कर रही हैं सर? जैसे अगर मैं पढ़ाई कर रही हूं किसी एक सब्जेक्ट को लेकर, रिसर्च कर रही हूं, तो मैं साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम भी दे रही हूं और मैं वो चीजें भी साथ में मैनेज कर रही हूं, सबका टाइम बांट-बांट कर टाइम टेबल के लोकल स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी पार्ट ले रही हूं वहां पे। सर पॉलिटिक्स में तो पार्टिसिपेशन नहीं है, कल्चर तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो काफ़ी एक्टिव है जेएनयू में, तो आपका क्या मानना है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक्टिव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो जैसे इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी हैं, एम्स हैं, इस जगह तो काफ़ी कम है पॉलिटिकल एक्टिविटीज, बहुत ही कम है, और इनके आउटपुट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जेएनयू के नहीं अच्छे हैं, इंडिया में एक बाइफर्केशन है इस मामले में, जैसे टेक्निकल कॉलेजेस जो हैं हमारे, टेक्निकल कॉलेजेस ये एक साइड है, प्लस ह्यूमैनिटीज वाले एक साइड है। जनरली ह्यूमैनिटीज के कॉलेज में इसमें पॉलिटिक्स एक्टिव है, इतने अच्छे टेक्निकल कॉलेजेस में टेक्निकल में नहीं है, तो आपका क्या मानना है वहाँ होनी चाहिए? सर मुझे लगता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे सकारात्मक फायदे होते हैं, खास करके छात्रों के लिए ये बहुत काम करते हैं सर। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कभी भी हावी नहीं होने पाता है छात्र पर, छात्र की जो बेसिक समस्या है जैसे हॉस्टल की समस्या, खाना अच्छा मिलना चाहिए, हॉस्टल में सफाई कैसी होनी चाहिए, हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सामान आ रहे हैं कि नहीं सही, या हमारा स्टेडियम कैसा है, या और भी बहुत सारा की चीज़ें लड़कियों के लिए कैसा क्या। अच्छा, इसको हम छात्र वर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन ही क्यों बनाना है, दोनों साथ मिलके भी तो लोगों के, छात्रों के भले के लिए काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत दोनों मिलकर क्या चलना, जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटीज में है ना ये एक्टिव कि छात्र को अच्छा खाना ये सब चीज़ें चाहिए, उसके लिए पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं राइट, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज प्राइवेट कॉलेजेस में तो नहीं है, वहाँ क्यों नहीं है, पब्लिक में क्यों? सिर्फ सर वहाँ पर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ की फीस इतनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है सर, लाखों हज़ार होते हैं, तो वो जो है एज अ मैनेजर किसी को बैठा लेते हैं जो कि कोई चीज़ें मैनेज करता है, वो देखता है, तो उसके उसमें आते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सर बहुत ही अच्छा रहता है, वो बच्चों को बहुत अच्छी सुविधाएँ प्रोवाइड करती है। पर सर बहुत अच्छी सुविधाएँ रहती है, लेकिन यूनियन कई बार एक्टिव नहीं होता है तो सुविधाएँ छात्रों तक नहीं पहुँच पाती हैं। आपके इश्यूज हैं क्या वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स को आना चाहिए और आपके इश्यूज को डील करना चाहिए? जो भी पॉलिटिकल लीडर आते हैं जैसे करंट इश्यूज जो चल रहे हैं वो उन मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, जैसे सर अगर अभी मान लीजिए कि किसानों का आंदोलन चल रहा है, बड़ा आंदोलन, तो वो उस पर अपनी राय रखेंगे, किसान भी क्या क्या समस्या है, क्या क्या मुझे सर आधे घंटे घंटे पर इससे फिर इश्यूज अभी तक हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स को इसलिए नहीं एक्टिव कर रहे थे कि हम स्टूडेंट के इश्यूज को एड्रेस करें जी, तो इससे इश्यूज डाइवर्ट नहीं हो गए स्टूडेंट के? सर डाइवर्ट हो गए, लेकिन कई बार सर वो इश्यूज को भी उठाते हैं कैंपस में। अच्छा आप एक बात बताइए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से रिलेटेड लिंक दो कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, आप कुछ बताइए, आप जेएनयू से हैं तो जी जी सर, लिंक दो रिकमेंडेशंस ये हुआ था कि 2009 से इलेक्शंस कर रहे थे, फाइव पॉइंट्स बताइए कमेटी की रिकमेंडेशंस थी जी, वो स्पेसिफिकली बताइए। ये सर पहला तो ये था कि जो एक बार यूनियन का इलेक्शन प्रेसिडेंट बन चुका है दोबारा नहीं कर सकता जीत गया है जो, दूसरी बात ये थी कि एक एज लिमिट कर दी गई है कि इस एज से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, और तीसरी चीज़ सर ये कर दिया गया था लिंक दो में कि एक्सपेंडिचर पे लगाया था कुछ कि पैसे इतने खर्च नहीं हुए, प्लस पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट बैंक कटेल किया था, अटेंडेंस की भी बात करी थी यस सर, अभी तो आया।
पोस्टर्स एडवर्टाइजमेंट उनके एक्सपेंडिचर पूरा ऑडिटिंग उसकी कंपलसरी अटेंडेंस पे क्या राय है आपकी सर कंपलसरी अटेंडेंस 25% हमारे हो गया है सर मुझे लगता है कि जो बीएमए के बच्चों के लिए तो बच्चे स्टूडेंट्स के लिए तो जो पीएचडी के स्टूडेंट हैं जो कि फील्ड्स वर्क पे जाते हैं फॉरेन भी जाते हैं हमारे यहाँ से तो उनके लिए अटेंडेंस तो अभी किसके लिए है तो जो प्रोटेस्ट है वो किस लिए है सिर्फ पीएचडी वालों के लिए या सबके लिए प्रोटेस्ट तो बट क्लासेस की भी इम्पोर्टेंस है मतलब मैं ये नहीं कहता कि क्लासेस एक इकलौता जरिया है सीखने का पर क्लासेस भी एक जरिया है और हम इतना इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं वैल्यू है जो टीचर्स प्रोफेसर्स आ रहे हैं तो अगर क्लास में नहीं आएगा तो क्लासेस होगी किसके लिए तो बेसिकली तो फिर अटेंडेंस का मतलब नहीं आप ये उसमें भी कर देना चाहिए कंपल्शन तो है अभी सारे टेक्निकल मोस्ट ऑफ द टेक्निकल कॉलेजेस में 75% कंपल्शन है तो कंपल्शन होना चाहिए 18 मुझे लगता है क्वालिटी वाले मतलब क्वालिटी मटेरियल को प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ही अच्छे प्रोफेसर वहां पढ़ाएंगे तो उन लोग आएंगे क्लास में तो मतलब कंपल्शन नहीं होना चाहिए अटेंडेंस हटा देनी चाहिए सर मुझे लगता है कंपल्शन नहीं रहेगा तभी हमारी क्लास में तो एक क्वेश्चन ये बताइए कि आपको एक सबॉर्डिनेट चुनना है दो सबॉर्डिनेट्स हैं ए एंड बी ए में काफ़ी हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी है ठीक है काफ़ी ईमानदार है बट एफिशिएंसी उतनी नहीं है कार्यकुशलता से शायद उतना नहीं कर पाते हैं और बी है जिसमें कुशलता तो काफ़ी है एफिशिएंसी काफ़ी अच्छा है बट ईमानदारी और इंटीग्रिटी नहीं है तो आप किसको चुनेंगे ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी दोनों में डिफरेंस तो आप इसी में इन सबॉर्डिनेट्स में ही एक हाईली ट्रूथफुल है ठीक है और एक हाईली ऑनेस्ट है किसको चूज करेंगे आप हाईली ऑनेस्ट को ट्रूथफुल को नहीं क्योंकि मुझे लगता है कई बार सिचुएशन ऐसी से झूठ बोले या मुझे सच्चाई ना बता पाए बट वो ऑनेस्ट है तो ऑब्वियसली वो कोई गलत काम या करप्ट सब नहीं लिप्त है आपको लगता है कि ऑनेस्ट है तो गलत काम में नहीं लिप्त हो गलत इन द सेंस कि सर ऑनेस्ट है तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जो उसके मन के खिलाफ चाहे ना लगे और ट्रूथफुलनेस वो सच तो हमेशा बोलेगा लेकिन कई बार उसे ऐसा सिचुएशन में आता है तो सर ऑनेस्ट जो है जो ऑनेस्ट है इसमें ही अगर आप ये सोचिए मान लीजिए सपोजिटली एक एक्ट किया ठीक है वो एक्ट काफ़ी गलत था उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो गलत नहीं था आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी गलत था ठीक है तो हो सकता है कि ऑनेस्टली वो आपको बता दे रहा है गलत या सही उसको पता ही नहीं है ठीक है इस यहाँ इस मामले में क्या इसका गलत होना जायज़ है मुझे लगता है कि अगर वो मेरा सबॉर्डिनेट है तो उनके पास इतनी तो कार्यकुशलता होगी कि वो चीज़ों के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो क्या सही है क्या नहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उनको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो सर हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं इस चीज़ की तो इतना तो उनको एटलीस्ट पता ही होना चाहिए तो मेरा कहने का मतलब था कि ऑनेस्टली कोई रॉन्गफुल एक्ट कर सकता है या नहीं और वो जस्टिफाइबल है फिर या नहीं सर एक डेमोक्रेसी में सर ऑनेस्टली अगर वो काम कर रहे हैं तो सर ये गलत अगर हुआ है तो सर मुझे लगता है सर ये ठीक है आप शायद बिना सोचे ही बोल रही हैं अभी सब टेक योर टाइम ठीक है चलिए और आपने तो कर दिया था ना अभी जेएनयू
अच्छा क्या है इंटरनेशनल, क्या होता है? पहले वो तो राष्ट्र को डिफेंड करने के लिए राष्ट्रवाद के संदर्भ में सर चार चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। एक तो भौगोलिक क्षेत्र, दूसरा जनसंख्या, तीसरी चीज़ है जो है कि सार्वभौमिकता, संप्रभुता, संप्रभुता। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ये तो आपने स्टेट की डेफिनेशन बताई है जी, राष्ट्र स्टेट की डेफिनेशन। स्टेट तो राज्य के लिए हुआ जी, राज्य और राष्ट्र में ही फर्क होता है ना जी। सर संप्रभुता उसमें ऐड हो जाती है राष्ट्र में जी, या राज्य में ऐड होती है? सर वैसे तो राज्य में ऐड होती है, अब उसके बारे में बताने जा रही हूं। राष्ट्र का कंसेप्शन तो मुझे लगता है थोड़ा अलग रहता है शायद जी। एक एक चीज मिस कर रहे हो राष्ट्र में। हाँ। ये तीन चीजें तो आपने स्टेट की बताई, स्टेट की बताई है, राज्य की बताई है, अभी एक चौथी चीज नहीं होगी कॉमन यूनिटी की फीलिंग, कॉमन कल्चर, वो मेन राष्ट्र का है। हाँ, वो राष्ट्र को कंबाइन करेगा ना जी, राष्ट्र जो बताया वो स्टेट, वो स्टेट का था, ज्योग्राफिकल यूनिट, पॉपुलेशन और उसकी इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, सोवरेनिटी, सोवरेनिटी हुई। और उसको जब आप कॉमन फीलिंग ऑफ यूनिटी और कल्चर होगा वो नेशन होता है, साथ में रहने की जो भावना। तो अभी इतना ये सब एंटी नेशनल, एंटी नेशनल में और जेएनयू में तो खासतौर पे लोग वेव चल रहे हैं, क्या आपके संदर्भ में क्या है एंटी नेशनल? सर एंटी नेशनल जो है, जो भी हमारी देश की संप्रभुता चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा या ऐसा कोई भी कृत्य जो कि हमारे संविधान के खिलाफ होगा और हमारी देश की संप्रभुता के खिलाफ, क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाना एंटी नेशनल है? सरकार के खिलाफ आवाज उठाना एंटी नेशनल नहीं है, लेकिन जो देश के विरोध में हो, देश के हित के विरोध में हो, हमारी सुरक्षा के अगेंस्ट हो, हमारी संप्रभुता के खिलाफ हो, सब वो चीज़ें एंटी नेशनल है। सरकार के काम कई बार हो सकते हैं कि हमें पसंद नहीं, कई बार हो सकते हैं कि हमें पसंद नहीं, हो सकता है हमारी कुछ ऐसी मांग हो जिस पर सरकार ने नहीं दे पाई, हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं। सर हमें डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी नहीं है। तो जो माओइस्ट कर रहे हैं जी वो क्या है? सर माओइस्ट जो करते हैं वो एंटी नेशनल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो संविधान के खिलाफ करते हैं, वो हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में और हमारी सरकार में विश्वास नहीं रखते हैं, इस वजह से वो एंटी नेशनल हो जाता है। केवल सरकार की आलोचना करने की वजह से वो एंटी नेशनल है। ओ, मैं आप ये बताइए कि चलिए आपने कह दिया कि माओइस्ट एंटी नेशनल है, ठीक है, अभी आपने कहा कि हम उन्हें एंटी नेशनल कह देते हैं, ठीक है, तो ये बताइए कि शुड वी यूज आर्मी की फ्लश आउट करने के लिए माओइस्ट को? जितनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, हीनियस क्राइम्स कर रहे हैं माओइस्ट जो हैं अपने इस जो टेरिटरी है रेड कॉरिडोर, इसमें काफ़ी वैसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जैसे पैडल गवर्नमेंट काइंड ऑफ फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि शुड वी जैसे पैरामिलिट्री हमारी कैपेबल नहीं है डिफेंड करने के लिए, तो हमें आर्मी यूज़ करनी चाहिए या नहीं उस एरिया में? खास करके जब हमारे ये लोग हमारे अगेंस्ट जाते हैं तो फिर हमें बहुत ही रणनीतिक तरीके से उस चीज़ से निपटना चाहिए। ये ऐसा मुद्दा है सर कि वो लोग भी हमारे हैं, सरकार भी हमारी है, देश भी हमारा, और हमें सारी चीज़ों को साथ में लेकर के चलना, तो इसके लिए मुझे लगता है कि दो तीन काम रणनीतिक तौर पर करने चाहिए। एक तो सुरक्षा को हमारी तो मजबूत करनी चाहिए, पहली चीज़ तो वो होनी चाहिए, उसमें तो कोई बात नहीं सर। दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि हमें माओइस्ट या जो भी इस तरह के उग्रवादी संगठन हैं या लोग, उन्हें हमें अपने विश्वास में लेना चाहिए, उनके लिए डेवलपमेंट कार्य करना चाहिए, उनको अपने विश्वास में लेना चाहिए और इन्हें ये भरोसा दिलाना चाहिए क्योंकि जल जंगल जमीन के साथ अगर कोई अन्याय हुआ है तो हम उनका उनको जो है मुआवजा दिलाएंगे, उसका उनको अधिकार मिलेगा और उनका कम से कम पुनर्स्थापन होगा या पुनर्वासन किया जाएगा। सर इस तरह से अगर हम उन्हें विश्वास में लेंगे, साथ में सेफ्टी और सिक्योरिटी वाला इशू रखेंगे पहले भी, तो मुझे मुझे लगता है बेहतर हो पाएगा। इस तरह से तो सर अगर हम करेंगे तो फिर बहुत सारी दिक्कतें भारत के सामने खड़ी हो जाएगी क्योंकि भारत ऐसे भी विविधताओं वाला देश है, हम आर्मी फोर्स ही हर जगह वो कर देंगे तो वो भी हर चीज़ का सलूशन नहीं हो सकता। आप इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में कुछ जानते हैं? तो जो भारत की हमारी विदेशी पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, एक शब्द बस, एक शब्द क्या होना चाहिए या एक एक प्रिंसिपल क्या होना चाहिए जिससे वो, जिससे हम उसको डिटरमाइन करें किस आधार पर हमारी फॉरेन पॉलिसी चलनी चाहिए? क्या लगता है? अभी तक तो सर गुट निरपेक्षता के आधार पे चलता है, अब क्या है, अब क्या होना चाहिए? मुझे लगता है सर तटस्थता और निरपेक्षता भारत के लिए सही रहेगा, इंटरनेशनल पॉलिसी में। तो किस चीज पे करें वो डिटरमाइन?
कि किसके साथ हम जाए तटस्थता करें या निरपेक्षता करें, किसी उस टाइम पे भी जब हम गुट निरपेक्षता करते थे तब भी ऐसा तो नहीं था कि हम किसी के साथ नहीं जाते थे, झुकाव रहता था। तो वो क्या किस कारण पे होता था? तो मेरे हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट पे हमारी फॉरेन पॉलिसी डिटरमाइन होती है। ठीक है, कंटिन्यू इंटरव्यूज होगा ये नेक्स्ट। पॉजिटिव दैट टू मी, ठीक है, यू हैव ग्रेट नॉलेज, स्माइल भी सही है, सब कुछ सही है, बट मेरे दो सजेशंस होंगे। पहला, यू आर गोइंग टू फास्ट। इट सीम्स लाइक कि अच्छा है, आपको पता है, तो आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी सारा भूल जाऊँ। ये चीज जैसे अपने पहले भी ऑब्जर्व किए हुए कैंडिडेट्स में कि होता नहीं टेंडेंसी कि हमें अपना व्यू पॉइंट पुट करना है, तो लेट्स स्पीक दो लाइन और आगे से तो बस कह देते हैं। तो आप काफी फास्ट जा रहे हैं थोड़ा ना, समटाइम्स आई हैव टू मेक एफर्ट्स कि आप क्या बोल रहे हैं, मैं क्या सोच उसको सुन। जैसे आपने ना राष्ट्र और राज्य इन दोनों के डिफरेंस में इतनी क्लैरिटी नहीं थी, आपने बस बोल दिया जो आपके उस टाइम थॉट आई, राइट? आपने भी नहीं सोचा कि राष्ट्र और स्टेट और नेशन दोनों अलग चीज है, राइट? मतलब आप कैसा करो कि अपने पॉइंट्स रख दो एंड देन लेट द इंटरव्यूअर आस्क। अगर आप, हो सकता है ये भी तो हो सकता है जो पॉइंट्स आपने बोले मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही वो होता, आपने मुझे ऑप्शन ही नहीं दिया। अब मैं कुछ ऐसे डोमेन में जाऊंगा जो हो सकता है शायद आपका डोमेन ना हो, है ना? एक ही चीज में तीन क्वेश्चन पूछ ले वो जो आपके डोमेन के हो, तो आपके लिए फायदा है ना कि आप उसको अच्छे से दे पाओगे। अगर आपने एक ही आंसर में तीनों चीजें बोल दी तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं कुछ और सोचूंगा कि चलो यार ये तो पता नहीं। फिर जैसे हम लोग खुद से जाएंगे कि माओइज्म, उसी चीजों पे फिर हम जाना शुरू करेंगे। बेटर है कि उसी डोमेन में आप धीरे धीरे अपने पत्ते खोलो कि एक पॉइंट आया, अब अगला क्वेश्चन उसको पूछने लो, है ना? फिर अगला क्वेश्चन वो पूछे, उसी चीज में फंसे रहोगे तो आपके मार्क्स बेटर आ जाएंगे। लेकिन आपने एक ही साथ में सब कुछ कर दिया तो फिर मैं अगला टॉपिक का मुझे सोचना पड़ रहा था कि अच्छा ठीक है जी, मैं एंटी नेशनल पे जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? प्लस आप एक सेकंड थिंग ये थी कि नेगेटिव में आप कहीं ना बैक फुट पर चले जाते हो, जैसे आपको नहीं पता तो आप थोड़े स्लो मोशन में हो जाओगे। हां, कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करो, सर आई एम नॉट अवेयर, आई एम नॉट अवेयर। आप बैक फुट पर, नॉट टू नो इज नॉट अ बैड थिंग। ह्यूमन है, इतना बड़ा नॉलेज का सागर है, आपको सब नहीं पता हो सकता, इग्नोरेंस है, सभी में होती है। और तो ये जो हाई मैंने क्या हो गया ये नहीं पता है, कई बार ऐसा लगा कि ऐसा क्या आ गया जो तुमने अपने आप बैक फुट पर ले लिया अपने आप को, सर ऐसा होता तो है, वो चीज नहीं आनी चाहिए। तो बेसिकली व्यू पॉइंट्स, नॉलेज, क्लैरिटी काफी सही है, कॉन्फिडेंस वगैरह, आपके पॉजिटिव पॉइंट्स, कॉन्फिडेंस अच्छा है, काफी सही है, यही मेंटेन भी करना, मींस नो मैटर कि कैसा भी क्वेश्चन थ्रो करना है, आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो, आपसे किसकी बातें हो रही है, नेशनलिज्म की हो रही है, इंटरनेशनलिज्म की हो रही है, कुछ भी, जस्ट टेक इट एज अ चिल टू, ठीक है? ऐसा नहीं है, आपको बस रिलैक्स होकर आंसर दीजिए, ठीक है? सेकंड थिंग कि आप कॉन्फिडेंस है अच्छा, प्लस स्माइल, आपने पॉजिटिवली स्माइल किया, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट एट्रीब्यूट। नर्वसनेस नहीं दिखी थी, हां नर्वसनेस ऐसे विजिबल नहीं थी, क्यों? क्योंकि जहां भी आप नर्वस होने लगती थी वहां आप स्माइल कर देती थी, ठीक है? प्लस आपके व्यू पॉइंट काफी बैलेंस्ड है, ठीक है? ओवरऑल आपने जहां भी आंसर किया एक रैशनल व्यू पॉइंट के साथ ही, इस डिवाइड करना है स्टेट्स को या नहीं करना, तो आपका एक रैशनल जस्टिफिकेशन था हर चीज़ के लिए, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मस्ट है, ठीक है? मीन्स हाइपर मोटिव नहीं होते कभी भी, प्लस नॉलेज भी सबका अच्छा है, ठीक है? ये एक्स्ट्रा इज दे गई आप, बाकी बस इसी चीज़ पर वर्क करिए कि पॉजेस मस्ट समटाइम, आई हैव रिटन ऑल्सो समटाइम्स पॉजेस आर बेटर, ठीक है? मेरे से रिलैक्स होगा, प्लस बैकफुट पर नहीं जाना है, मिडल प्रैक्टिस कर लीजिए पॉजेस के लिए। और प्लस एक और चीज, कई बार ना मुझे ऐसा लगा आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करने की कोशिश ज्यादा करती हैं, कि जैसे आपसे पूछा ये सही है, हाँ ठीक है, ये लगा कि आपने नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर दिया, कि जैसे आपसे पूछा कि माओ इज बेटर, सब बेटर तो है, मतलब बेटर बोलने से पहले ही आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शो कर देंगे, कोशिश कीजिए कि स्टेबल होकर आराम से आंसर। But overall now I'll say कि till now you are one of the best candidates। हाँ, अभी इस मंथ पर आए। अभी दो लोगों को हमने बोला, you are the second one, ठीक है? काफी अच्छा था। तो उनके साथ भी यही problem थी, वो भी जल्दी में। हाँ। मतलब knowledge base ज़्यादा होता है तो जल्दी निकलने लगती हैं चीजें, तो इसीलिए। But इस पे work कर लो, you get very good marks। Same for that, ठीक है? अब आप मुझे क्या बताएँ?